अपने विभाग का भी नाम बताएं, आप किस विभाग? आप लोक निर्माण विभाग में हैं। जो 2005 में पेंशन जो बंद कर दी गई उस पे आपका क्या कहना, उससे क्या नुकसान है? आपके हम लोग पहले की सर्विस जोड़ ली जाए ना, और कोर्ट में भी हम लोग काफी आदेश हुए तरह तरह के, उसका पालन कर लिया जाए और हम लोगों को पेंशन देने की कृपा करें। पेंशन रुकने से ना मिलने से क्या नुकसान होता है? बहुत सी समस्याएं जटिल होती हैं, दवा पानी है, इलाज है। ये मुद्दा क्या सिर्फ आपके ही विभाग के लिए है, पीडब्ल्यूडी या सभी विभाग के कर्मचारी के? विभागों, स्वास्थ्य विभाग है, सिंचाई विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, 2.5-3 लाख कर्मचारी जो है नियमित हुए। लोगों का जो ये महासंघ है कर्मचारियों का नियमित और दैनिक का, क्या आप लोग समय समय पे क्या कोई आंदोलन भी करते हैं? और हम लोगों ने समय समय पे आंदोलन भी किए, लिखित भी दिए, मगर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तमाम लोगों ने आंदोलन किए हैं, अपनी बात कही है। तो आग्रह ही करना चाहते हैं कि मेरे आग्रह आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी या हमारे विभाग के मंत्री जी इसको पालन करा दें तो हम लोगों का जीवन सफल हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है, आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। कर्मचारी जो होते हैं वो अपनी पूरी जिंदगी और जीवन जॉब करके बिता देते हैं, कोई जमा पूंजी उनके पास नहीं बचती है परिवार को लालन पोषण करने के बाद कि बुढ़ापा सही से काट सके, और फिर उसके बाद सिर्फ एक आस और एक उम्मीद रह जाती है पेंशन, लेकिन वो भी 2005 के बाद से पेंशन बंद है। उस वक्त सरकार ने क्या किस कारण से वो फैसले लिए हैं वो हम सरकार के इस फैसले पे हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ये है कि पेंशन बहाली एक देश में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। चाहे हमारे जो सेना के जो हमारे जवान हो, सेना की बात करें, आर्मी की बात करें, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और आज और हम उत्तर प्रदेश में अभी हैं, और उत्तर प्रदेश में हमारे जितने भी विभाग हैं, जितने भी सरकारी हमारे कर्मचारी हैं 2005 से पहले के या 2005 के बाद, ये बड़ा मुद्दा है, पेंशन पे हमारी बात है। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए दिनेश मिश्रा जी हैं, हम आपको इनका परिचय दे दें। नियमित एवं दैनिक कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश के ये मंडल लखनऊ के अध्यक्ष हैं। जानते हैं कैसे पेंशन जो है वो कर्मचारी के लिए, सरकारी कर्मचारी चाहे वो किसी भी विभाग का हो, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं और पूरे देश के अलग अलग राज्य में हैं सभी, उत्तर प्रदेश विशेष रूप से, क्या नुकसान है अगर पेंशन ना हो? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर 15 अगस्त की स्वतंत्रता जो आधा हमारा स्वतंत्र देश है उसकी मैं बहुत बहुत देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ, क्योंकि भारत के 75 वर्ष हमारी वर्षगांठ मनाई जा रही है और इस पर हमारे पूरे देश के लोग बहुत ही खुशहाल मन से और देश अमन चमन रहने के लिए हमारी सेना जो सीमाओं पर डटी हुई है, जो सीमाओं पर अपनी जान की बाजी लगाती है और दुश्मनों की गोलियां झेलती है और दुश्मनों को गोलियों पर मारती है, उन नौजवानों को बहुत बहुत बधाई। आगे जो आपने सवाल किया है ये तो मैंने इससे पूर्व आपको मैंने आपको बताया भी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के तमाम मुख्यमंत्री, मैं उनसे यही करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि हम आपके अंग हैं, हम आपके सिपाही हैं, हम आपके कर्मचारी हैं। देश में जब जब संकट आता है कर्मचारी हमेशा आगे बढ़ करके आप उससे योगदान लेते हैं, काम लेते हैं, रातों दिन वो बाध्य है आपके काम करने के लिए, वो संविधान के तहत कहीं ना नहीं कर सकता है। मैं आपसे माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक मैं पुनः फिर उनको मैं कहूँगा कि बहुत ही कर्मठ, ईमानदार, बहुत ही योग्य, क्षमतावान, गुणवान और बहुत ही शोध करने वाले मुख्यमंत्री हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि एक शोध हम लोगों पर, कर्मचारियों पर कृपा अपनी करें, अपनी दया की वर्षा करें। कौन से आप दया करवाना चाहते हैं, कौन सा शोध करवाना चाहते हैं? समस्या पेंशन की जी, जो हम लोग दो दो तीन तीन चार चार साल में रिटायर हो रहे हैं, आने जिस दिन से पेंशन मेरी तनख्वाह बंद हो जाएगी उस दिन से हमारे घर के किसी रोटी हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा, हमारे पत्नी का कैसे कटेगा? आपकी नियुक्ति कब हुई थी? हमारी नियुक्ति हुई है कि 85 को, 85 हुए आप 2005 से पहले? जी जी। तो अब ये जो 2005 में पेंशन जो बंद कर दी गई उस पर आपका क्या कहना, उससे क्या नुकसान? अब वो नुकसान तो हमारा जो हमारे सारे कर्मचारियों का हुआ है, मगर उन परिस्थितियों में उस समय कर्मचारी बोले क्यों नहीं, अब बोले भी तो मान्य नहीं हुआ। ये कौन सी परिस्थितियाँ माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी लेके आए, कौन सी योजना के तहत आए? सेंट्रल गवर्नमेंट में माननीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी थे,
उन्होंने बहुत प्रदेशों में लोगों ने दिया, बहुत लोगों ने नहीं दिया, तो उन परिस्थितियों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। जो आज प्रेजेंट टाइम मेरी समस्या ये है कि हम लोग 2011 में रेगुलर हुए थे और 91 के पहले मास्टर रोल में हम लोग थे, मास्टर रोल से वर्ड चार्ज में हुए, वर्ड चार्ज से फिर हम लोग रेगुलर किया मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की, सुशी बहन जी ने, जो उनको मायावती जी कहते हैं, बहन जी भी कहते हैं और हम मुख्यमंत्री कहते हैं, क्यों हम लोग कि किसी का ऐसा पद नहीं दे सकते, हम माननीय मुख्यमंत्री कह सकते हैं। तो अब हम लोग यही चाहते हैं कि जो आपने सवाल किया है आपके माध्यम से बात पहुंच जाए कि हम लोग पहले की सर्विस जोड़ ली जाए ना, और कोर्ट में भी हम लोग काफ़ी आदेश हुए तरह तरह के, उसका पालन कर लिया जाए और हम लोगों को पेंशन देने की कृपा करें। आप अपने विभाग का भी नाम बताएं, आप किस विभाग? हम लोग निर्माण विभाग में हैं। कौन से विभाग? लोक निर्माण विभाग, PWD। जी ठीक है। तो आप जैसे और कितने कर्मचारी हैं, और ये मुद्दा क्या सिर्फ आपके ही विभाग के लिए है PWD, या सभी विभाग के कर्मचारी? विभागों, स्वास्थ्य विभाग है, सिंचाई विभाग है, PWD विभाग है, बहुत से विभाग, तमाम विभाग है, उनमें सभी विभागों को लेकर के 2.5-3 लाख कर्मचारी जो है नियमित हुए हैं। परमानेंट वाले हैं आप? हाँ, रेगुलर है, हम लोगों का रेगुलर हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी पेंशन दे दी जाए। हम लोग कोर्ट में भी हैं, कोर्ट के आदेश भी पक्ष में कई बार हुए, कई बार हम लोग और हमारी जो सरकार है वो आगे चली जाती है। एक अहम सवाल ये कहा किया जाएगा कि क्या आप लोगों का जो ये महासंघ है कर्मचारियों का नियमित और दैनिक का, क्या आप लोग समय समय पे क्या कोई आंदोलन भी करते हैं, कोई अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए, कोई आप बड़ी संख्या में भीड़ में इकट्ठा भी होते हैं, ऐसा अभी 1-2 सालों में हुआ है या आगे होगा, इसमें क्या? हम तो पूर्व अध्यक्ष हैं, हमने अपने 2000 से और तमाम 2007 के बीच में हमने 96 से राजनीति शुरू की थी विभाग की, तो तमाम मीडिया चैनल, चाहे न्यू भारत, हमारा दैनिक जागरण हो, या हिंदुस्तान टाइम्स हो, या कुबेर रहा हो, या आज रहा हो, या स्वतंत्र भारत रहा हो, हमारा चाहे दूरदर्शन से नियमित दैनिक कर्मचारी महासंघ के जो है आकाशवाणी द्वारा कई बार प्रकाशित हुआ, और हम लोगों ने समय समय पर आंदोलन भी किए, लिखित भी दिए, मगर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तमाम लोगों ने आंदोलन किए हैं, अपनी बात कही है। हम तो आंदोलन नहीं किए, हम तो आग्रह ही करना चाहते हैं कि मेरे आग्रह आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी या हमारे विभाग के मंत्री जी इसको पालन करा दें तो हम लोगों का जीवन सफल हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि इससे जो परिवार हैं, जो सारे कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में अलग अलग विभागों में जो कर्मचारी हैं, तो उनकी पेंशन रुकने से, ना मिलने से क्या नुकसान होता है? देखो, नुकसान आप बता लीजिए, आप जब आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत लोग हैं जिसको 50,000 रुपये मिल रहे होते हैं और एक बैग बंद कर दिया जाए, उसकी जीवन से पूछ लीजिए, वह तो रिटायरमेंट होने पहले कभी बहुत कर्मचारी हमारे चले जाते हैं, अटैक पड़ जाता है, बहुत लोग जा करके 1-2 साल बाद ख़त्म हो जाते हैं, तो बहुत सी समस्याएं जटिल होती हैं, दवा पानी है, इलाज है, बुढ़ापे में कोई, आज की जो नई जनरेशन है, जो आज की युवा पीढ़ी है, वो किसी को पूछ नहीं रही है, आप अपने परिवार को नहीं पाल पा रही है, इसी महंगाई की दौड़ में, इस आज की जो समाज का जो दिशा दशा है उसमें माँ बाप को तो पूछने क्या, परिवार लेके अपने ही पाल पोषण कर ले बहुत बड़ी बात है, तो उन परिस्थितियों में बहुत सी दिक्कतें हैं, वो आप के माध्यम से आप जानते हो जनजीवन में क्या नहीं ज़रूरत पड़ती है, आज की जो बहुत समस्याएं हैं उत्पन्न हैं, खान पान से लेके, दवा पानी से लेके, रिश्तेदारी नातेदारी से लेके, वस्त्र से लेके, कपड़ा से लेके, बहुत सी चीज़ें हैं, जो पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, एक अहम बात ये भी कि क्या आपको लगता है कि आपकी बात योगी जी और योगी सरकार सुन लेगी? माननीय आपके माध्यम से, आप जो भी हमारे बंधु हमारे मीडिया बंधु हैं, ये बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है, हो सकता है कभी कभी कोई ऐसी बात छू जाती है और लग भी जाती है, तो अगर वो माननीय मुख्यमंत्री जी सुन रहे होंगे या उनका मंत्रिमंडल सुनेगा, तो मैं तो करबद्ध निवेदन ही करना चाहता हूं कि हम लोग 2-2, 3-3 साल सर्विस बची है, आगे जो आप दे रहे हैं उसकी नई पेंशन की योजना तहत तो अपना बचाते रहेंगे, हम लोग पीछे कुछ बचा नहीं पाए हैं, बिल्कुल रिटायरमेंट होने के बाद जो 2-4-5 लाख, 6 लाख मिलेगा वो तो आप जानते हो क्या होगा, वो तो परिवार में ही इतनी समस्या होती, लोग
कहीं कोई मकान नहीं बना पाया तो मकान बना लेगा, किसी ने लड़की की शादी नहीं किया तो लड़की की शादी कर दिया, किसी ने बच्चे पढ़ाई में लगा दिया, किसी तो वो पैसा बचता नहीं है। जो नियमित रूप से चाहे थोड़ा है चाहे ज़्यादा है, नहीं वो पैसा नहीं, वो सही बात है। अभी हम सवाल आपसे ये है, सटीक सवाल और सटीक जवाब चाहिए कि आपको लगता है कि योगी जी आप लोग कितनी संख्या है आपकी, आप जैसे कर्मचारियों की कितनी संख्या? लगभग हर विभाग में 3 लाख कर्मचारी होंगे। 3 लाख है? 3 लाख। और इस हिसाब से तो बहुत बड़ी संख्या। हाँ, 50 लाख से ऊपर हो जाएगी ये। हर परिवार में 5-5, 7-7 आदमी है, 8-8। आपको लगता है कि ये ना योगी सरकार आपकी बात सुन लेंगी? मैं कहना चाहता हूँ, सुनने का मतलब ये है कि आपकी डिमांड पूरी हो। अगर आप ठीक से सुना दिए, आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बात अगर वहाँ पहुँच गई और हमारे मुखिया हैं, अगर उन्होंने आपकी बात को ध्यान दे दिया और कहीं उनकी निगाह बात आई, राजा है वो तो देखो, वो अपने विभाग मंत्री को अपने मुखिया के हर्षे से कह सकते हैं, मुख्यमंत्री जी अपने विभाग के मंत्री से कह सकते हैं कि इनकी मांगे जरूर है, इनको मान ली जाए। तो आपको लगता नहीं है कि आपकी बात बिल्कुल, आप हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं तो सुन लिया गया, आप लोगों को आंदोलन वगैरह नहीं किया, आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? जैसे कृषि कानून को वापस लेने के लिए किसान सड़कों पर उतर गए, तो क्या आप लोगों को लगता है कि एकदम हाथ जोड़ करके निवेदन करने से आपकी सुनवाई हो जाएगी? सरकारी कर्मचारी बहुत आंदोलन और बहुत सी चीजें में बाध्य होता है, उसके कुछ नियम नहीं कर सकते, कानून होते हैं। सरकारी कर्मचारी जो है, जो भी सरकार रहती है उसके अधीन रहता है और वो बहुत ज़्यादा हट के बात नहीं कर सकता है। अच्छा। तो अपने जो जो भी सरकारें आती हैं उसको अपना, ठीक है। सवाल एक ये है कि क्या आप लोगों की तरफ से कोई औपचारिक कोशिश, आप महासंघ हैं, आपने ये लिख रखा है इस पे महासंघ कर्मचारियों का, तो आप लोगों के कर्मचारियों की तरफ से कोई कोशिश हुई है कि कोई ज्ञापन आपने आदरणीय सीएम साहब को दिया हो? सवाल ये भी होगा कि क्या उनको इस मुद्दे से अवगत वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, आपकी दर्द वहाँ तक पहुँची? वो है, अभी विधानसभा में क्वेश्चन भी हुआ था। हाँ। बीच बीच में क्वेश्चन होते भी रहते हैं। हाँ। अभी हमारे कुछ भाइयों, मतलब विपक्ष के लोगों ने क्वेश्चन भी हमारे पक्ष में या कर्मचारियों को हक में लेकर के उन्होंने सवाल उठते रहते हैं। तो कैसा जवाब वहाँ पे आता है? अब वो मुखिया हैं, जवाब जो देते हैं वो, अब हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते। अभी मतलब अभी कोई जवाब ऐसा नहीं है कि जो संतुष्टि, तो अभी तो हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। एक अहम सवाल लास्ट में ये किया जाएगा दिनेश मिश्रा जी, कि महासंघ की तरफ से आप क्योंकि पूर्व के अध्यक्ष रह चुके हैं, वर्तमान के बारे में आपसे ज़्यादा सवाल नहीं किया, लेकिन ये कि क्या कोशिश हुई है कि सीएम के पास आप लोग हैं ना 50 लाख या आपके विभाग के कर्मचारियों को ले की बात ले करके आप सीएम साहब के, क्योंकि जनता दरबार लगते हैं, सीएम है वो सबकी सुनते हैं, तो आप लोगों की क्यों नहीं सुनी? कभी आप लोग ऐसी कोशिश करी या करेंगे? और संघों ने जो हमारे, अब तो हम पूर्व हैं, हमारे बहुत से संघ चल रहे हैं जो अपनी बात समय समय में सरकार को बताते रहते, पहुंचाते रहते। हाँ, लिखा पढ़ी करते रहते हैं। चलिए ठीक है, अंत में अब आप अपने सीएम साहब से, उत्तर प्रदेश की मुखिया से आप क्या अनुरोध करें? मैं तो पहले उनको, जो कुशल शासन उनका चल रहा है और जो 15 अगस्त जो हमारा आ रहा है, वो जो देशवासियों को संदेश देंगे, तो हमें आशा है कि हम लोगों को भी कुछ खुशहाली का संदेश मिलेगा उनके माध्यम से। और मैं भी चाहता हूं कि वो कुशल नेतृत्व करें और आगे आने वाला 2024 या 2027 हम नहीं कह सकते हैं, मगर कर्मचारी जहां भी लगाया जाएगा वो निष्ठा से काम करेगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आप अगर हमारे लोगों की बात को सुन लें और पुरानी पेंशन अगर हमें दे देते हैं तो हम लोग आपके जीवन भर ऋणी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके चैनल को। ठीक है, धन्यवाद आपका ए न्यूज़ से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।